यकीनन ये बात सच है दोस्तों कि चांद पे जिस जिस देश ने डायरेक्ट लैंडिंग करने की कोशिश की है, चांद ने उसे सीधे तौर पे मात दी है। क्योंकि चांद पे जब जब हम सीधे तौर पे लैंडिंग करने जाते हैं, तब तब हमारे कोई भी यान हो वो क्रैश हो जाएगा दोस्तों। यकीनन सीधे तौर पे वो छोटे देश जो कि ऐसा दावा करते हैं कि हम यान बनाएंगे और भेजेंगे, वो सीधे तौर पे कभी भी नहीं भेज सकते दोस्तों। लेकिन हमारा देश जो भारत है, इसने बहुत सारे अचंभे वाले काम किए हैं। सबसे पहले जो भी जानकारी है मैं आपको बताने से पहले आपको ये ज़रूर बता दूं कि लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है, आप उसे दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी चांद से रिलेटेड न्यूज़ आपको सबसे तेज़ और सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, चांद पे जाने की होड़ तो हमेशा से रशिया और अमेरिका के बीच में जंग चलती हमेशा से आ रही है। उसके बाद चांद को जब उतारा गया, जब यान को उतारा गया और जब पहला इंसान वहाँ गया, तब उम्मीदें बनती नज़र आ रही थी। लेकिन दोस्तों, जो खबर है, जो एकदम अभी की ताज़ा खबर है, वो ये है कि लूना 25 भी अब चांद पे जा रहा है। बता दें कि 22 अगस्त को तो हमारा जो चंद्रयान 3 का मिशन है वो पूरा करना था, और अभी भी 1000 किलोमीटर की जो दूरी है वो अभी भी बनी हुई है दोस्तों। तो जब तक कि ये मिशन पूरी तरीके से पूरा नहीं हो जाता, अभी सारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं दिल थाम के बैठे हैं। जब कक्षा में ऑर्बिट में चांद के चंद्रयान 3 एंटर किया, तब उसने पहला मैसेज भेजा कि मैं चांद हूँ और मैं चंद्रमा की कक्षा में एंट्री कर चुका हूँ। और उसने जितने विजुअल्स, जितने फ़ोटोज भेजे हैं दोस्तों, वो प्रशिक्षण के तौर पे आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए काम आएंगे। हम उन्हीं फ़ोटोज से बहुत सारे अनुमान लगाएंगे, क्योंकि जो भी फ़ोटोज अवेलेबल थे वो नासा के थे, हमारे खुद के नहीं थे दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी बात है। और ये मिशन जब शुरू होने की शुरुआत थी, तब किसी ने ये भी सोचा नहीं था कि हम सुरक्षित लैंडिंग कर लेंगे वहाँ पे। दोस्तों, आप सभी ने हमेशा से कमेंट किया है और पूछा है, और बहुत सारी अफवाह ऐसी भी चल रही है दोस्तों कि क्या लूना 25 और चंद्रयान 3 टकरा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमको, आपको पता है कि यूनिवर्स की जो स्पीड है वो लाइट ईयर में नापी जाती है। तो इस वजह से यूनिवर्स बहुत बड़ा है दोस्तों, तो कभी भी ये टक्कर नहीं हो सकती, आप इत्मीनान रखें। हालांकि ये बात कंफर्म है कि लूना 25 चांद पे हमारे चंद्रयान 3 से पहले पहुंचेगा, क्योंकि वो सीधा जा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 गोल गोल की चक्कर लगाते हुए ऑर्बिट में पहुंचते हुए ही जा रहा है दोस्तों। दोस्तों, ये मिशन तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन सभी लोग की नज़र और सभी जो नासा है जैसे, तो उन सभी की नज़र इसी बनी हुई थी कि क्या हमारा इंडिया का जो यान है वो पहुंचेगा और पहुंचने के बाद इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 ने गजब का कमाल किया है दोस्तों, वो पहुंचने से पहले ही तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी है। इसरो ने ये जो काम लिया है दोस्तों, बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो है वो लैंडिंग कराना है, क्योंकि 99% जोखिम होता है लैंडिंग कराने में। और आपको बता दें कि ये हमारी तीसरी लैंडिंग होगी, 2019 में क्रैश कर गया था हमारा यान, क्योंकि वो लैंडिंग सॉफ्ट की जगह हार्ड हो गई थी। तो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होगी कि किस तरीके से चांद पर जाके सॉफ्ट लैंडिंग की जाए और हार्ड ना हो किसी भी तरह पे, और सारे वैज्ञानिक इसी जुट होड़ में लग गए हैं। बता दें आपको कि इसरो के ताज़ा अपडेट के मुताबिक बीते 16 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है लैंडर से अलग होगा। बीती रात को यह अलग भी हुआ, और सही ढंग से इसरो ने जानकारी दी, अपडेट दिया कि इसको कर लिया गया है दोस्तों। वैसे तो दक्षिणी ध्रुव पे हमने सबसे बड़ा टारगेट लिया है कि वहाँ जा करके हम लैंडिंग करेंगे, और बड़े बड़े देश जिनके पास तकनीक है, व्यवस्थाएं हैं, पैसे हैं, वो वहाँ पे उतरने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो भारत देश है, उसने वहाँ पे ही उतरने का सोचा है। और आपको बता दें कि वहाँ कोई भी देश का यान क्यों नहीं उतरना चाहता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और ये उतरने से पहले ही चंद्रयान 3 ने हमें क्रिस्प एंड क्वालिटी वाले पिक्चर देख करके बता दिया है। और दोस्तों, वहाँ पे कई किलोमीटर तक ये गड्ढे फैले हुए हैं, ये चंद्रयान ने हमें दिखाया है साफ साफ। बहुत सारी तस्वीरें इसरो तक आती हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाती हैं, साइट्स पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और आगे की जो भी अपडेट होगी दोस्तों, वो हम आपको फटाफट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबा के आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।